नमस्कार। धन की चाह हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन हो, संपत्ति हो, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे। धन किस ग्रह से आएगा या किस व्यक्ति से आएगा या धन किस व्यापार से, किस नौकरी से आएगा, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू से अंत तक यह वीडियो अवश्य देखें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर बताएं। नमस्कार। तो आज हम इस टॉपिक को लेने वाले हैं कि किसी व्यक्ति को धन कहां से मिलेगा या फिर कौन से व्यक्ति से उसको आर्थिक लाभ होगा, कौन सा कार्य करे तो उसको अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है या किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो अपने इस टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका भी दिख रही होगी, साथ में एक नवांश चक्र भी है। जन्म पत्रिका अर्थात यहां पर हमने सिर्फ लग्न कुंडली को देखना है और नवांश चक्र को देखना है। इसका प्रयोग आज हम करेंगे, परंतु उससे पहले बताना चाहूंगा कि धन की स्थिति को कैसे देखना है, कहां से धन आएगा यह कैसे जानेंगे आप। तो अपना लग्न चक्र अर्थात लग्न कुंडली निकाल लीजिए और आपको देखना है कि लग्न सूर्य और चंद्र, लग्न सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में कौन बलवान है। अब प्रश्न आता है कि कैसे देखेंगे कौन बलवान है, इसके लिए पहले भी वीडियो बनाए जा चुके हैं। तो लग्न सूर्य और चंद्रमा इन तीनों में से जो भी अधिक बलवान हो उस से दशम भाव को देखिए। लग्न से, सूर्य से या चंद्रमा से जो भी अधिक बलवान हो इन तीनों में उससे दशम भाव को देखिए। दशम भाव में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कहां बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी किस नवांश में है, यह आपको देखना है। उदाहरण के माध्यम से ही समझने का प्रयत्न करते हैं तो अधिक अच्छा होगा। तो देखिए यहां पर पांच नंबर राशि लग्न में है, अर्थात यह सिंह लग्न की पत्रिका हुई और सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि। चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा बैठे हुए हैं अष्टम भाव में मीन राशि में। तो इस प्रकार से, क्योंकि हमें लग्न सूर्य और चंद्र को देखना है इसलिए तीनों की स्थितियों को मैंने बताया। अब हम एक एक करके मानेंगे कि इनमें से कौन बलवान है और फिर देखेंगे। माना कि किसी भी जनपत्रिका में, इस जनपत्रिका में लग्न बलवान है तो लग्न से दशम भाव, तो यहां पर पांच नंबर राशि लग्न में है और इससे दशम भाव आएंगे तो वृष राशि है दशम भाव में। तो लग्न से, माना कि लग्न बलवान है, लग्न से दशम भाव में वृष राशि है जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र कहां बैठे हैं, शुक्र इसी जनपत्रिका में तुला राशि में विराजमान है। शुक्र तुला राशि में विराजमान है, तुला राशि में शुक्र हैं, शुक्र कितने अंश के हैं यह भी आपको देखना है। तो हमने मान लिया कि शुक्र पांच अंश के हैं, कितने अंश के हैं, पांच अंश के हैं इस जनपत्रिका में। अब देखिए शुक्र पांच अंश के तुला राशि में है। यहां पर अब नवांश चक्र को देखना है आपको, आपको देखना है कि पांच अंश इस अंशों के कॉलम में कहां पड़ता है। पांच अंश, छह अंश, चालीस कला इस वाली रो में पड़ेगा, अर्थात तीन अंश बीस मिनट से, या फिर कह तीन अंश बीस कला से छह अंश चालीस कला, इसके बीच में जो भी अंश आएगा वह हमें यहां पर देखना है। पांच अंश इसी के बीच आ रहा है, जो भी अंश उस ग्रह का है। पुनः अपनी बात को कहना चाहूंगा, शायद ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। आपको करना क्या है, लग्न सूर्य और चंद्रमा को देखना है, तीनों में कौन बली है उससे दशम भाव को देखिए। तो देखिए यहां पर हम मान के चलते हैं कि लग्न बलवान है, तो लग्न में पांच नंबर राशि है सिंह राशि है। यहां से दशम भाव में देखिए तो दशम भाव यह आया, यहां पर दो नंबर राशि, दो नंबर वृष राशि है, वृष राशि के स्वामी को देखिए कहां बैठे हैं। वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, वे यहां पर विराजमान है। तुला राशि में शुक्र है और ये पांच अंश के हैं, तुला राशि में शुक्र है पांच अंश के, पांच अंश इस नवांश चक्र में कहां पड़ता है, तो पांच अंश इस नवांश चक्र में छह अंश चालीस कला में पड़ेगा, इस वाली रो में पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि आप देखना है, क्योंकि शुक्र तुला राशि में है तो
तो तुला राशि कहाँ है, तुला राशि ये यहाँ पे है, तुला राशि में शुक्र बैठे हैं तो तुला राशि में देखने हैं और 6 अंश 40 कला इस वाली लाइन में देखने हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर 8 नंबर राशि मिल रही है, अर्थात तुला राशि के नीचे और 6 अंश 40 कला वाली रो में आप देखेंगे तो 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि किसकी राशि है, मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, वो मंगल की राशि है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र इस लग्न कुंडली में मंगल के नवांश में है, शुक्र इस लग्न कुंडली में मंगल के नवांश में है। तो हमें पता चल गया कि लग्न बलवान है और लग्न से दशम भाव में वृष राशि है जिसके स्वामी हुए शुक्र, वे कहां बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, 5 अंश के हैं। तो तुला राशि इस नवांश चक्र में देखा हमने कि तुला राशि के नीचे और 5 अंश वाली जो रो है अर्थात यहां पर 6 अंश 40 कला उस वाली रो में देखेंगे। तो देखते हैं कि 8 नंबर राशि हमको मिलती है, 8 नंबर वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो कह सकते हैं कि मंगल के नवांश में शुक्र विराजमान है। तो इस व्यक्ति को जिसका लग्न बलवान है उसको ऐसे जगह से धन प्राप्ति होगी जो मंगल के कारकत्व में आता है, क्योंकि शुक्र मंगल के नवांश में, या हम कहें कि 10वें इस मंगल के नवांश में। तो मंगल, मंगल किन किन चीजों का कारक है, मंगल से क्या क्या चीजें आती हैं, या मंगल से प्रभावित व्यक्ति जो है, मंगल का जो भी गुण होगा, प्रकृति होगी, उससे आने वाली जो भी चीजें होंगी, उससे धन लाभ इस व्यक्ति को होगा, वो काम ये व्यक्ति करे तो निश्चित तौर पर आर्थिक सफलता को प्राप्त करेगा। अब हम बात करते हैं सूर्य की। अब मानते हैं कि इस जन्मपत्रिका में सूर्य बली है, बलवान है। तो सूर्य की स्थिति को देखिए, सूर्य यहां पर चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में। तो सूर्य से दशम भाव को देखिए, सूर्य से दशम भाव को देखेंगे तो प्रथम भाव आता है, प्रथम भाव में 5 नंबर राशि लिखी हुई है, 5 नंबर राशि अर्थात सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। अब सूर्य कहां बैठे हैं, सूर्य देखिए वृश्चिक राशि में बैठे हैं, सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। सूर्य के अंश को देख लेते हैं, माना सूर्य 15 अंश के हैं वृश्चिक राशि में, 15 अंश के हैं। फिर से आपको नवांश चक्र देखना है, आपको देखना है वृश्चिक राशि में 15 अंश कहां पड़ता है। तो पहले आप 15 अंश देख लीजिए, 15 अंश यहां पे पड़ेगा 16 अंश 40 कला में, क्योंकि यह 13 अंश 20 कला के बाद और 16 अंश 40 कला तक की कैटेगरी में आ रहा है। तो 16 अंश 40 कला इसमें ही 15 अंश आएगा जो सूर्य की डिग्री है। उसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि के नीचे देखिए आप, वृश्चिक राशि यह है वृश्चिक, इसके नीचे जाइए आप और कहां तक जाना है, जी हाँ ये आगे। अब देखिए 16 अंश 40 कला इसके सामने आते हैं हम, और वृश्चिक राशि के नीचे तो यहां पर भी हमको 8 नंबर राशि मिलती है जो कि वृश्चिक है, मंगल की राशि है। तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान है, उसके जो सूर्य है वो कौन है, यहां पर 10वें से। तो इस व्यक्ति की कुंडली में जिसके सूर्य बलवान है उसके 10वें से मंगल के नवांश में है, तो मंगल के जो गुणधर्म होंगे, प्रकृति होगी, मंगल से प्रभावित जो व्यक्ति होगा या मंगल संबंधित जो भी कार्य हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उससे इस व्यक्ति को धन लाभ होगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। मान के चलते हैं कि इस जन्म पत्रिका में, इस लग्न कुंडली में चंद्रमा बलवान है। तो चंद्रमा देखिए कहाँ है, चंद्रमा यहाँ पर 8वें भाव में मीन राशि में है। हम मान लेते हैं कि ये 25 अंश के हैं, मान लिया चंद्रमा यहाँ पर। अब वैसे इसके अंशों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर चलिए। तो चंद्रमा यहाँ पर मीन राशि में है और हम मान के चलना है कि ये बलवान है, ये आपको सिर्फ सोचना है कि ये बलवान है, बाकी आप अपनी जन्मपत्रिका में देखिएगा कि वो बलवान है या नहीं। तो चंद्रमा हम बलवान मान रहे हैं, तो चंद्रमा से दशम भाव को देखिए। तो चंद्रमा से यदि दशम भाव आप देखेंगे तो आएगा 5वें भाव, जहां पर 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु कहां बैठे हुए हैं, तो गुरु इस जन्मपत्रिका में कन्या राशि में बैठे हुए हैं, और माना कि ये 25 अंश के हैं, तो गुरु कन्या राशि में है, 25 अंश के हैं। अब 25 अंश किस कैटेगरी में आएगा यह देखना है, और हमें कन्या राशि के नीचे देखना है। तो आइए नवांश चक्र को देखें, 25 अंश यहां पर आएगा 26 अंश 40 कला, क्योंकि 23 अंश 20 कला के बाद 26 अंश 40 कला
के अंदर ही तो 25 संसार है और हमारे गुरु 25 अंश के हैं। अब इसके सामने जाएंगे, उससे पहले आपको देखना क्या है कि किस राशि में है गुरु। गुरु यहाँ पर देखिए कन्या राशि में है, तो कन्या राशि के नीचे जाइए, ये कन्या राशि के नीचे जाइए आप, और ये आ गए कन्या राशि के नीचे आ गए और 26 अंश वाली रो में आगे गए, तो यहाँ पर 5 नंबर मिला कन्या राशि के नीचे और 26 अंश 40 कला उसके सामने आते हैं, तो यहाँ पर 5 नंबर आया। 5 नंबर अर्थात सिंह राशि है और हम सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य, तो हम यह कह सकते हैं कि गुरु यहाँ पर किसके नवांश में है, सूर्य के नवांश में है। तो इस व्यक्ति को धन लाभ कहाँ से होगा, इस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से धन लाभ होगा जिसके गुण आचार विचार प्रकृति या कारकत्व सूर्य से संबंधित हो, क्योंकि सूर्य के नवांश में गुरु विराजमान है। अब आप सोच रहे होंगे वो तो ठीक है कि सूर्य नवांश में है तो वहां से धन लाभ होगा, सूर्य के जो कारकत्व हैं उनसे संबंधित कार्य करने से भी धन लाभ होगा, उन वस्तुओं का व्यापार इत्यादि करने से धन लाभ होगा, परंतु हम कैसे जाने कि ग्रहों के कारकत्व क्या है, हर ग्रह से क्या क्या आता है। तो आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही धन संबंधित एक वीडियो डाला है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, उसमें आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं सूर्य से लेकर शनि तक और राहु केतु, तो कुल 9 ग्रहों के सभी कारकत्वों की चर्चा की गई है कि उन ग्रहों से संबंधित क्या क्या चीजें आएंगी जहां से धन लाभ इत्यादि हो सकता है, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं और यहां से आपको उस ग्रह के बारे में पता चल जाएगा कि कहां से धन प्राप्त होगा। पुनः कहना चाहूंगा कि यदि आपको जानना है कि कौन सा कार्य करने से आपको धन लाभ होगा, किस व्यक्ति से आपको धन लाभ हो सकता है, कौन से क्षेत्र में आपको जाना चाहिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, सुदृढ़ रहे, आपको आर्थिक लाभ हो, तो आपको करना क्या है, अपनी लग्न पत्रिका उठाइए, उसमें देखिए कौन सा बलवान है, लग्न बलवान है, सूर्य बलवान है या चंद्रमा बलवान है, और फिर उससे दशम भाव को देखिए, दशम भाव में जो भी राशि है उसके स्वामी को देखिए कि वो किस राशि में बैठे हुए हैं, जिस राशि में भी दशमेश बैठे हुए हों, फिर आपको देखना है कि दशमेश कितने अंश में है, किस राशि में है और कितने अंश में है, फिर नवांश चक्र को देखना है कि किस राशि में बैठे थे तो उस राशि के नीचे देखना है आपको, कितने अंश पे थे तो उस अंश वाली कैटेगरी में देखना है कि कितने अंश किस कैटेगरी में आएगा, उस रो को देखना है, दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं उसमें देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वह एक राशि को बताता है और उस राशि के स्वामी जो भी ग्रह होंगे उससे संबंधित कार्य करने से, उससे संबंधित वस्तुओं का व्यापार इत्यादि करने से या उस ग्रह से संबंधित प्रभावित व्यक्ति से आपको धन लाभ होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट में जरूर लिखें। जो लोग कुंडली विश्लेषण इत्यादि कराना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।